एक और टॉपिक की तरफ, नाउ दिस इज कॉल्ड बफर। तुम्हारा लास्ट पॉइंट या इसी लेक्चर से रिलेटेड, नाउ दिस इज कॉल्ड बफर्स, या इसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर्स क्या है या बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर जो है इसको समझाने का तरीका यह है कि अ सॉल्यूशन दैट रेजेस द चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इनटू इट। बफर कहते हैं ऐसी सॉल्यूशन को, ऐसी सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाए तो भी, या थोड़ा सा बेस डाल दिया जाए तो भी, ठीक है। एसिड या बेस डालने से बफर सॉल्यूशन ऐसी सॉल्यूशन होती है जो अपनी पीएच को मेंटेन रखे हुए होती है, या जो पीएच में चेंज आ रही होती है उसको रेजिस्ट करने की एबिलिटी रखती है, ठीक है। तो बफर क्या है? अ सॉल्यूशन दैट मेंटेन इट्स पीएच, ट्राइज टू मेंटेन इट्स पीएच, अवॉइड द चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड इनटू इट। नंबर एक, तो बफर क्या है, दिस शुड बी क्लियर, ठीक। नंबर एक, बफर को प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपेयर करने के दो टेक्निक्स हैं और उनको दो तरह से समझाया जाता है, जिसके लिए मैंने यहां पर बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि बफर को बनाने का पहला तरीका क्या है और बफर को बनाने का दूसरा तरीका क्या है। पहला तरीका जो है इसमें लिखा है कि बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस। दो चीजें मिक्सअप करनी है, क्या क्या? वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस। जैसे कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए का सॉल्यूशन ये है। आप देखें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, यहां लिखा है कि क्या लिखा है, देखें आप, एसिडिक एसिड जो कि वीक एसिड है, एसिडिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और सोडियम एसिटेट जो इसी एसिड का साल्ट है जो कि स्ट्रांग बेस से बनाया गया था, और आप जानते हैं कि स्ट्रांग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाया गया साल्ट होगा। तो जब वीक एसिड को उसी के साल्ट जो कि स्ट्रांग बेस से बनाया गया साल्ट हो, उन दोनों को मिक्सअप करोगे, नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बफर। बफर को बनाने का दूसरा तरीका, यानी ऑप्शन ए जो है उसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि बाय पार्शल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड बाय स्ट्रांग बेस। हम किसी वीक एसिड की स्ट्रांग बेस से पार्शल न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो भी सिचुएशन ए ही होगी। अब इस बात को समझें कैसे, ध्यान से सुनेंगे, ट्रिकी पॉइंट है और टेक्निकल पॉइंट है। इस बात को समझने के लिए मैं एक थोड़ी सी पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने लिया है वीक एसिड जिसकी स्ट्रांग बेस के साथ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करने जा रहा हूं। सपोज करें कि आई हैव दिस कंटेनर एंड इनटू दिस कंटेनर आई हैव टेकन सम अमाउंट ऑफ वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड एंड आई एम गोइंग टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड बाय द स्ट्रांग बेस एंड द बेस इज सपोज टू बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस सपोज कौन सा लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आप जानते हैं कि बेस को जब एसिड के अंदर डाल दिया जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगी, बेस को जब एसिड सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगी। अब देखना यह है कि यह न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट है कि पार्शियल है। बताओ कि जितने मोल्स एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन में पड़े हैं उतने ही मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में आ जाएं तो फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। मतलब जितने हाइड्रोजन आयन एसिड के हैं उतने OH आयन बेस के आपस में कंबाइन हो जाएंगे, साल्ट और वाटर बना लेंगे, इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी। लेकिन एसिडिक एसिड जो है, ये जो एसिडिक एसिड की सॉल्यूशन जो कंटेनर में पड़ी है, इसके लिए जितना रिक्वायर्ड बेस है उस रिक्वायरमेंट से कम डाल दिया जाए तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में क्या होगा कि एसिडिक सॉल्यूशन का कुछ अमाउंट एसिड का तो न्यूट्रलाइज होगा लेकिन कुछ अमाउंट एसिड का बचा रहेगा। अब ये ध्यान से सुनेंगे, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होने जा रही है तो अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड जो है उससे हमेशा कम ऐड किया जाएगा ताकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना हो। ऐसी सूरत में क्या होगा कि सम ऑफ द एसिड विल न्यूट्रलाइज, सम ऑफ द एसिड विल रिमेन अनयूज्ड, आर यू कैन से अनरिएक्टेड। जब ये रिएक्शन पार्शियल हो जाएगा तो इस कंटेनर के अंदर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या होगा, तो यू विल से नंबर वन अनयूज्ड एसिडिक एसिड या अनरिएक्टेड एसिडिक एसिड की थोड़ी सी अमाउंट होगी, दैट मीन्स कि एसिडिक एसिड का थोड़ा सा अमाउंट अनरिएक्टेड होगा। इसी सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत साल्ट भी बना होगा और साल्ट सोडियम एसिटेट ही बना होगा और प्लस में वाटर होगा क्योंकि सॉल्यूशन तो हमने बनानी है। तो इनडायरेक्टली ऑप्शन ए जो है उसका पहला पॉइंट यानी पहला जुमला और उसके नीचे वाला हिस्सा दोनों एक ही बात को कर रहे हैं लेकिन समझाने का तरीका जो है वो अलग अलग है। या तो कहा गया है कि वीक एसिड को
उसी के साल्ट के साथ डायरेक्टली मिक्सअप कर दो, या फिर वीक एसिड जो है उसको स्ट्रांग बेस के साथ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करो, रिजल्ट विल बी सेम। जो रिजल्ट होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। इसी तरह से जैसे ऑप्शन ए को डिस्क्राइब किया है, आप ऑप्शन बी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेम स्टोरी है, अब वो बात पहले एसिड के लिए हो रही थी, अब बेस के लिए हो रही है। देखो कैसे लिखा है कि बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड। अब हम वीक बेस के साथ एक साल्ट मिक्स करेंगे जो स्ट्रांग एसिड का हो। वीक बेस जैसे कि मैंने यहां पर लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नंबर बी की बात हो रही है, और उसी बेस का जो साल्ट है जो स्ट्रांग एसिड से बनाया गया वो है अमोनियम क्लोराइड, और आप जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रांग एसिड लाइक HCl से बनाया गया हो, या तो फिर आप इसी तरह से जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था, सेम स्टोरी रिपीट कर रहा हूं कि बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस बाय स्ट्रांग एसिड। जब वीक बेस को स्ट्रांग एसिड से पार्शियली न्यूट्रलाइज करोगे तो फिर उस बर्तन के अंदर थोड़ा सा आप जानते हैं कि एसिड भी पड़ा होगा और थोड़ा सा बेस भी पड़ा होगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी बात को आगे लेते हैं एंड गोइंग फॉर द वर्किंग ऑफ बफर। अब बफर वर्क कैसे करता है तो जरा देखें, बफर वर्क कैसे करता है तो इन दो में से मैं किसी एक एग्जांपल को यहां पर फॉलो कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड जो है इस बफर को मैंने एज एग्जांपल लिया है। यूं समझो कि कंटेनर के अंदर ये दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में पड़े हैं, और जब एसिड और ये साल जब सॉल्यूशन फॉर्म में पड़े होंगे तो आयनाइज्ड स्टेट में होंगे। कौन सी स्टेट में होंगे, आयनाइज्ड स्टेट में होंगे, ये आयनाइज्ड स्टेट में है। अब आगे मैं दो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि जब इस बफर के अंदर, ये जो बफर है, इस बफर के अंदर एसिड डालेंगे तो क्या होगा और बेस डालेंगे तो क्या होगा। अब आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड जब सॉल्यूशन में होगा तो वो आयनाइज्ड होगा एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, और जब सोडियम एसीटेट जो उसी का साल्ट इसके साथ मिक्सअप है, जब ये सॉल्यूशन में होगा तो भी एसीटेट आयन और सोडियम आयन जो है इसमें से डिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा होगा। दो इक्विलिब्रियम आपके सामने हैं। अब होगा क्या, नंबर वन जब एसिड डालेंगे, नंबर टू जब बेस डालेंगे। तो चलो देखते हैं कि इफ एसिड इज एडेड देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। अब जब हम इस कंटेनर के अंदर जिसमें बफर पड़ा है, अगर मैं एसिड डालूं, और आप सब जानते हैं कि एसिड डालने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होना या इंक्रीज होना। तो चलो भाई, मैंने कोई भी एसिड ऐड किया था तो एसिड के ऐड करने से आप जानते हैं कि कौन सी कंसंट्रेशन बढ़ गई, हाइड्रोजन आयन की। वो कैसे कि हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में पहले भी थे, हाइड्रोजन आयन फिर से बन गए। प्रोडक्ट साइड पे जब कंसंट्रेशन बढ़ी तो इक्विलिब्रियम बैक बढ़ गया। तो जो एसिड था, जो एसिड मैंने ऐड किया था, जितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए थे, ऑलमोस्ट सॉल्यूशन में मौजूद जो हाइड्रोजन आयन है उनकी सेम अमाउंट, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट एसीटेट आयन के साथ रिकंबाइन होगी और इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाएगी। तो उसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि एक क्लास है, एक क्लास में दो स्टूडेंट नए आए, दो एडमिशन जो है वो कैंसिल करके निकल गए, बताओ कि क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। कि एसिड ने जितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए थे उतने हाइड्रोजन आयन एसीटेट के साथ कंबाइन होकर इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाएंगे, तो सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब चेंज नहीं हुई तो फिर तो आप जानते हैं कि पीएच जो होगी वो क्या होगी, मेंटेन होगी। तो आपने देखा कि बफर में जब हमने एसिड डाला तो पीएच मेंटेन कैसे हुई, पीएच मेंटेन कैसे हुई कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट गया यानी रिवर्स में गया। यही पॉइंट मैंने लिखी, आप देख सकते हैं कि एसिड इज एडेड इनटू दिस देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया था, और फिर आपने देखा कि पीएच क्या रही, मेंटेन। पीएच मेंटेन क्यों रही, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेंटेन रही। तो दैट्स द वे हाउ दिस टॉपिक इज वर्किंग, हाउ दिस बफर इज वर्किंग। क्लियर है बात, ये चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। अब अगर एसिड डाला था तो क्या हुआ, ये बात समझ में आ रही है। अब आते हैं कि बेस डालेंगे तो क्या होगा। तो चलो भाई, मैंने एक बेस ऐड कर दिया, सपोज ए बेस, बताओ कि बेस अगर ऐड करेंगे तो बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, OH आयन। बेस ने OH आयन प्रोड्यूस किए, तो OH आयन जैसे प्रोड्यूस होंगे तो ये जो OH आयन है ये सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड के H आयन है इसके साथ कंबाइन हो लेंगे। इनके साथ कंबाइन होंगे तो वाटर बन जाएगा, नतीजे में हाइड्रोजन आयन जितने भी सॉल्यूशन में थे वो अगर OH के साथ रिएक्ट कर लिए तो फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होगी तो फिर पीएच जो है, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो पीएच क्या होगी, पीएच बढ़ेगी।
सेवन से आगे जाएगी, लेकिन पीएच चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन से ओएच के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाया, सामने उतने ही एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगे। मतलब कि बेस डालने से इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड आया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया। यही बात यहां पर है कि इफ बेस इज एडेड, यू कैन सी लिखा है, इफ बेस इज एडेड देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट ड्यू टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड पे है, आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट साइड पे अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन कम होगी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आएगा तो एसिडिक एसिड के ज्यादा मॉलिक्यूल आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगे। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो फिर पीएच भी आप जानते हैं कि चेंज नहीं होगी। सो दैट्स द वे हाउ बफर इज वर्किंग। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।